सही फैसला तो कुछ सालों पहले आपने लिया था, मुझे सही जगह पढ़ने भेजकर। भूल गए? सवाल 4 साल का नहीं, पूरी जिंदगी का है। This is NAC A++ opportunity. Maharshi Markandeshwar Deemed to be University, Molana Ambala. सीनियर सेकेंडरी स्कूल खनी में आयोजित भरमौर जोन की 4 दिवसीय छात्राओं की अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। समापन समारोह में उपनिदेशक उच्च शिक्षा जिला चंबा प्यार सिंह चाड़क ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विभिन्न खेलों के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल आयोजनों में हिस्सा लेने से बच्चों में अनुशासन में रहने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को जिला स्तर पर बढ़िया खेल दिखाते हुए क्षेत्र का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उधर प्रतियोगिता के वॉलीबॉल में भरमौर विजेता और होली उपविजेता रही, कबड्डी में औरा विजेता व लीहल उपविजेता, खो खो में सुनारा पहले और चौभिया दूसरे नंबर पर रहा, बैडमिंटन में औरा पहले और गरूला दूसरे स्थान पर रहा, कुश्ती में बलोट ओवरऑल विजेता रहा, जबकि मार्च पास्ट में छतराड़ी विजेता बना। खेलों से सीखते हैं, समय पर मैच शुरू होना है, समय पर खत्म होना है, ये सारी चीजें जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बच्चे इन्हीं चीजों से इन्हीं प्रतियोगिताओं में सीखते हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम के महत्व को पहचानो कि आज जो समय है हमारा वो कल नहीं आएगा, और जो समय को वैसे भी अगर इसको जो तस्वीर है इसकी इमेजिन करें हम कि समय किस तरह का होता है, तो कभी आपने इमेजिन करा है कि किस तरह का समय है? इमेजिनेशन हम देखते हैं कि जो समय है वो क्या है, आगे उसके बाल हैं और पीछे से वो बिल्कुल गंदा है। मतलब क्या हुआ कि समय को अगर आपने आपके नहीं पकड़ा तो फिर नहीं पकड़ पाओगे उसको। तो समय जो है हमारा एक क्षण जो है वो भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उस क्षण को भी हम उसका ऑप्टिमम यूज करें, सही तरीके से उसका यूज करें, ताकि जो भी हमने जीवन में जो उद्देश्य पाल रखा है उसको आप हासिल कर सके। ये बाकी स्कूल के बच्चे भी सुने, ये सारे खाली सिर्फ खिलाड़ी वर्ग के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, आप बाकी जो स्कूल के बच्चे ये भी सुन सकते हैं, वो भी उस पर अमल करें। टाइम की सबसे ज्यादा कदर करें, अगर टाइम एक बार निकल गया तो टाइम कभी वापस। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।